तो क्या हमें एक सेल्स सेंटर ओपन करना चाहिए, यहाँ पर कमाई करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल सेल्स सेंटर से पैसे कमाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको पर डे कितना मिलता है, अगर आप यहाँ पर महीने भर अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना कमाई होगा, साल भर कितना कमाई होगा, या फिर आपको इम्प्रूवमेंट क्या है, यहाँ पर अपना सारा ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं या फिर नहीं, या फिर अगर आपके पास कोई जॉब है उसे आप छोड़कर सेल्स सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये करना है या फिर नहीं, ये बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा डाउट है बहुत सारे लोगों के मन में। सो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ क्या आपको सेल्स सेंटर ओपन करना चाहिए या फिर आपके पास कोई भी जॉब है तो उसे छोड़कर क्या आपको सेल्स सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर से काम करके पैसे कमाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर आपको जो बिजनेस है चलेगा या फिर कौन से लोकेशन पर चलेगा, ये मैं सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं 5 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूँगा, तो ये 5 पॉइंट के अगर आप यहाँ पर अचीव कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर सेसेस से आप बहुत सारा पैसे कमा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी सेसेस सेंटर चला रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है आपको ये 5 पॉइंट समझना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सबसे पहले नंबर पर क्या है। सबसे पहले नंबर पे है एक्सपीरियंस। अगर आप इससे पहले सेसी का कोई भी आपको नहीं पता क्या काम करते हैं, आधार कलेक्शन करना हो या फिर पैन कार्ड अप्लाई करना हो, फसल बीमा करना हो या फिर जो भी आपको ऑनलाइन काम करते हैं सेसी पोर्टल में, आप उससे नहीं पता कि आपको कैसे करते हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप ये काम लेंगे तो आपको यहाँ पर 1 साल तक आपको लग जाएगा यहाँ पर आपको काम सीखने के लिए अच्छे से प्रॉपरली, क्योंकि PMG दिशा आपका डीजी पे हो गया, आपका बहुत सारे ऐसी सर्विस है जो कि आपको सीएससी में मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर बहुत सारा पैसा मिलता है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो। लेकिन एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको अपने नियर बाय कोई भी सीएससी सेंटर में जाके कुछ महीने के लिए आपको यहाँ पर सीखना है, उनसे आपको हासिल करना है नॉलेज, उसके बाद ही आप एक्सपीरियंस लेकर आप सीएससी सेंटर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लोकेशन। आपको यहाँ पर सेसी सेंटर तो आपने यहाँ पर ले लिए हैं तो आपको ओपन कहाँ पे करना है, आपको कैसे सेलेक्ट करना है कि कौन सा जगह पे आपका सेसी सेंटर अच्छे से वर्क करेगा जो कि आपको एक अच्छा खासा इनकम दिला सके, तो आप यहाँ पर ध्यान दें। ज़्यादातर आपको यहाँ पर गाँव एरिया में, आपको पंचायत एरिया में खोलने का मौका मिलता है, लेकिन अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कन्विंस करके अपने जो भी आपका गवर्नमेंट ऑफिस है, जो भी आपका पंचायत ऑफिस है या फिर जो भी आपके अच्छे से जो ऑफिस में जो बहुत सारे लोग भीड़ होते हैं वहाँ पर अगर आप करेंगे, जैसे कि आपका तहसील ऑफिस हो गया, ब्लॉक ऑफिस हो गया, आपका इनकम टैक्स ऑफिस हो गया, RTO ऑफिस हो गया, आपका बहुत सारे ऐसे ऑफिस है जहाँ पर आप अपने एक सेसी सेंटर लेके चला सकते हैं, लेकिन गाँव में थोड़ा सा जो भी आपका लिमिटेड काम होता है तो आप ज़्यादातर ध्यान दें कि आपको अर्बन एरिया में खोलने का, जो भी ऑफिस वगैरह के साइड में अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा ऑप्शन है, बहुत ही बड़ा चॉइस है, बहुत ही बड़ा डिसीजन होगा आपके लिए ये सेसी सेंटर चलाने के लिए, आपका ग्रो करने के लिए। तो मैं आपको कहूँगा आपको बेस्ट लोकेशन चॉइस करना है ताकि आपका सेसी सेंटर को आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका मशीन पार्ट। आपको मशीन पार्ट किस तरह से परचेज करना है, क्योंकि आजकल सेसी सेंटर लेना और उसे काम करना इजी तो नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको यहाँ पर मशीन पार्ट को अगर आप सेकेंडरी की तरह से यानी कि सेकेंड हैंड परचेज करके अगर खरीदेंगे या फिर काम करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ हद तक आपको माइनस या फिर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका जो मेन पार्ट होता है आपका, बहुत सारे लोग आते हैं और आपको 1 या फिर 2 मिनट में उनका काम चाहिए, तो आपका जो कंप्यूटर लोडिंग होता रहेगा तो आप उसे कैसे काम करके जल्दी दे सकते हैं, इसीलिए आपको जो है अपना मशीन पार्ट को थोड़ा सा अपग्रेड करना है। तो यहाँ पर आपका मेन भूमिका निभाता है, मेन रोल है CPU का, तो आप CPU जो है HP या फिर डेल का लें। अगर आपके लोकेशन में वहाँ पर HP या फिर डेल का CPU मिल रहा है तो आप सब कुछ ब्रांडेड लगाइए। अगर आप जो भी आप USB लगाते हैं, पोर्ट वगैरह सब कुछ, आप कैबिनेट वगैरह सब कुछ अच्छे से कंपनी वाला ब्रांड वाला अगर लेते हैं तो आपका CPU ज़्यादातर चलेगा, और आपका मॉनिटर कोई भी ले सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2-2.5 हज़ार के भीतर में आपका आ जाएगा मॉनिटर। तो आपको मेन काम है CPU का। अगर आपको नहीं पता कि CPU कौन सा ले, मदरबोर्ड कौन सा ले या फिर आपका जो SMPS कौन सा कंपनी का ले या फिर जो भी आपका CPU का जितना भी पार्ट्स है, मैं सारे का लिंक इस वीडियो में नीचे दे दूंगा, आप वहां पर जाके ऑनलाइन भी परचेज करके अपने लिए एक CPU सेट कर सकते हैं जो कि आपके लिए एक बहुत ही बेहतर चॉइस बन सकता है। CPU के साथ साथ मेन रोल है आपका प्रिंटर का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का CSC मैंने देखा हूँ, मेरा खुद का भी है, तो आपका 2 कंप्यूटर होगा या फिर 1 लैपटॉप होगा तो उसमें
से अगर आप अपना प्रिंटर का जो कॉर्ड है उसे आप यहाँ पर लगाओगे उसके बाद वहाँ पर लगाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, यहाँ पर प्रिंट आउट नहीं होगा या फिर कई बार होता है कि स्कैन नहीं होता है। तो सब कुछ शट डाउन यानी कि सब कुछ बंद करने के बाद फिर से रिस्टार्ट करेंगे तो होता है। तो ऐसे में अगर मैं आपको कहूँ तो आपको यहाँ पर प्रिंटर लेने का जो ब्रांड है आपको HP लेना चाहिए। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट लेना चाहते हैं और आपको स्कैनिंग वगैरह करना है तो आपको HP 1005 लेना है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे करना है ये सब कुछ, आपको नहीं पता ऑनलाइन ही सब आपको करना है, घर में बैठकर ही आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है, तो आपको मैं इस वीडियो के नीचे HP 1005 का भी लिंक दे देता हूँ, एफिलिएट लिंक, आप वहाँ पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। अमेजन की तरफ से आपको आएगा, घर में ही आप वहाँ पर इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद जो 4 नंबर के पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, खास तौर पर वो लोग जो लोग रूरल साइड में रहते हैं उनको पता नहीं होता, सिर्फ आज कमाएंगे कल खाएंगे, परसों कमाएंगे तरसों खाएंगे, ऐसा होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको अपना बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोचना है। तो बहुत सारे सेल्सी ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर महीने में कमाई हो गया 60-70 हज़ार आपका कमाई होगा या फिर 1 लाख तक कभी कमाई हो गया मान लीजिए, तो आपको वो पैसा को दूसरे काम में लगा लेते हैं तो आपका बिजनेस कैसे ग्रो होगा। तो इसीलिए वो पैसा को आप 50% कम से कम यहाँ पर लगा के अपना प्रोडक्ट को आप इम्प्रोवाइज कीजिए, अपने यहाँ कुछ मशीनरी पार्ट रखिए या फिर पेन ड्राइव रखिए, आपको चिप रेडर रखिए चिप रख लीजिए या फिर LED बल्ब LCD बल्ब ऐसा कुछ मशीन पार्ट रखिए जो कि आपकी लोकेशन को रिक्वायरमेंट है, आपके लोकेशन में जो लोग रहते हैं उनको चाहिए होता है, उस ऐसा ही कुछ पार्ट आप वहाँ पर रख सकते हैं। अपने बिजनेस को आप इम्प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से, अपने स्टॉक रखे आप वहाँ पर बेचेंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो पैसे को दूसरी जगह लगाएंगे तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप वो पैसा को आप बिजनेस में लगाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ हद तक फायदा होगा और आपको यहाँ पर बहुत सारा कमाई भी होगा फ्यूचर में अगर आप इस तरीके से ग्रो कर लेंगे तो। तो आपको यहाँ पर अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है आपका जो सेविंग होता है उसमें से कुछ % आप यहाँ पर रख के अपना प्रोडक्ट को आप यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर जो भी मशीन पार्ट है आपको यहाँ पर जो अपने लोकेशन में चाहिए होता है वो रख के आप वहाँ पर सेल करेंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है, इस 5 पॉइंट में से सबसे टॉप में आता है ये वाला पॉइंट, जो कि जो लोग जॉब करते हैं जो लोग काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ प्राइवेट ऑफिस की या फिर जो भी कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी दुकान के काम करते हैं किसी के यहाँ काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे कंडीशन है। तो CSE मिलने के बाद आपको जॉब छोड़ के काम करना है या फिर नहीं, जैसे ही आप यहाँ पर जॉब छोड़ देंगे तो आपका वहाँ से इनकम बंद हो जाएगा, लेकिन CSE सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर आपको आज इनकम हो सकता है 1 साल बाद भी या फिर 2 साल बाद भी, यहाँ पर कोई कह नहीं सकते कि आपको यहाँ पर आज इनकम होगा या फिर कल इनकम होगा, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है क्योंकि आपका दुकान चलेगा नहीं चलेगा बहुत सारी बातें हो सकती है। तो आपको यहाँ पर अपने दुकान को चलाने के लिए ग्रो करने के लिए 6 महीने से लेकर 1.5 साल का वक्त तो लगता ही है, क्योंकि 1-1.5 साल में अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं किया तो आप उसे छोड़कर कोई अदर बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जॉब छोड़ देंगे और CSE पे लग जाएंगे तो आपको यहाँ पर इनकम नहीं होगा तो आपका गुजारा कैसे होगा फैमिली का। तो इसलिए आपको सबसे पहले 1.5 साल तक का आपको वेट करना है, यानी कि आपको अच्छे से मेहनत करना है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बैठे रहे, आपको आइडिया लगाने हैं, नया नया आइडिया आप किस तरह से पैसे कमाने के बारे में सोचना है, आप उसको इम्प्रोवाइज करना है अपने बिजनेस में, तभी जाके आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। तो जो लोग जॉब होल्डर हैं CSE लेना चाहते हैं तो वैसा कीजिए, लेकिन अपने घर में कोई अदर मेम्बर हैं जो कि इनकम करते हैं गुजारा होता है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ CSE के ऊपर डिपेंड करके आप अपने फैमिली को यहाँ पर दाव पे मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पर वो 1.5 साल में होगा या फिर 2 साल में होगा या फिर 6 महीने भी हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर होगा नहीं होगा इसका गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा कमाई होता है अगर आप सभी सर्विस को अपना काम करेंगे तो, जैसे कि आपका PMG दिशा हो जाता है, आपका पैन कार्ड बनाने का जो काम करते हैं अगर आप करेंगे तो, इसके बाद आपका DGP आ जाता है और भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट रिलेटेड बहुत सारे स्कीम है, साथ में आपका फसल बीमा योजना जो कि आपका ईयरली 1-2 बार आता है, और आपको बहुत सारे ऐसे सर्विस है, अगर आप सभी सर्विस को यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा कमाई होगा। तो मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यानी कि अनुमान के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर 20,000 से लेकर आपको 70,000 या फिर 80,000 तक आप यहाँ पर कमाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आपने जाना कि CSE सेंटर ओपन करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे इस चैनल पर हम CSE अपडेट देते हैं, CSP अपडेट देते हैं, APS ID कैसे लेते हैं, साथ में बिजनेस को कैसे ग्रो करें या फिर कौन सा बिजनेस के बारे में आपको जानना है इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाके आप फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं।